योग निद्रा में जब हम महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कॉन्शियसली हम उस एनर्जी को, साउंड की एनर्जी को हम पूरी बॉडी में भेजते हैं। यानी अगर मैं अपनी बॉडी को यहां देख रहा हूं, यहां देख रहा हूं, मैं अपनी चेतना से अपने पैर को देख रहा हूं, मैं अपनी चेतना से मैं अपने हेड को देख रहा हूं, अपनी आंखों को देख रहा हूं, जैसे भी जो भी प्रोसेस है योग निद्रा की प्रोसेस में बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो वो जो प्रोसेस है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, योगी जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, योगी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये किसी की एक ही उपाधि नहीं है, वो है जिसने अर्जित किया। तो योग में समन्वय है, समन्वय रिदम है, रिदम मंत्र की साउंड और मंत्र की एनर्जी, उसकी एकात्मता एक एक अंग में। योगी तो अपने एक एक बॉडी के पार्ट के माइन्यूट हिस्से में भी उस मंत्र को लेके जाते हैं, नाखून पर भी ध्यान करते हैं, इन लाइंस पे भी ध्यान करते हैं, इन पे भी ध्यान करते हैं, इन पे भी, इन पे भी, और एक एक बॉडी के पार्ट में महामृत्युंजय मंत्र को अपने प्राण से जोड़ के उसकी एनर्जी को भेजते हैं। आज के टाइम में वो सब ऐसा नहीं है कि ये विद्याएं कोई लुप्त है, किताबों में बहुत है, लोग बातें भी करते हैं, बातें होती भी हैं, लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग मैं अपनी लाइफ में मिला हूं जो महामृत्युंजय के साधक थे और उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया और वो स्थिर इस वक्त भी वो प्रयत्नरत हैं, नई साधना में है, नए आयामों में है, नई फ्रीक्वेंसीज में है। तो वो एक अलग चैप्टर है, परंतु जो मेन अपना चैप्टर है वो ये है भाई साहब कि अपने को हमारी एनर्जी बॉडी की, हमारे ब्रेन की, हमारे पूर्व जन्म संस्कारों की, हमारे आज के संस्कारों की, हमारे प्राण की, हमारे अपान की, हमारे व्यान की, हमारे उदान की, हमारे समान की, हमारे सातों चक्रों की एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है और एक एक बॉडी के पार्ट में उस महाऊर्जा को भेजना है, जो कि महामृत्युंजय स्वरूपा है, जो कि भगवान भोलेनाथ का वह रूप जिसके बिना जीवन सोचा नहीं जा सकता। सब कष्टों में एक ही उपाय, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र जपिए। और योग निद्रा के द्वारा जो मैं बता रहा था, महामृत्युंजय मंत्र करने वाले साधक जो हैं वो पहले अपने बॉडी के बेस पार्ट पे ध्यान रखते हैं, यानी पैर पे रख दिया, फिर उसके बाद घुटने पे, फिर उस पिंडली पे, घुटने पे, फिर थाइज पे, फिर कमर पे, फिर पीठ पे, फिर शोल्डर्स पे, धीरे 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 योगी और डीप जाता है, फिर वो अंगूठे पे रखता है, फिर उसके साथ वाली फिंगर पे रखता है, फिर उसके साथ वाली फिंगर पे रखता है, फिर पंजे के नीचे वाले भाग पे रखता है, फिर धीरे 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 हाथों की अंगूल, ये अंगुली का पार्ट, ये अंगुली का पार्ट, ये अंगुली का पार्ट, ये अंगुली का पार्ट, ये धीरे धीरे अपने हाथों की लकीरों तक पे वो इस एनर्जी का ध्यान करता है। यह रहस्य है।